ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दिवाली का महापर्व आ गया है और हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारियों में लगा है। कोई खरीदारी कर रहा है तो कोई घर साफ कर रहा है, तो वहीं कोई सजावट कर रहा है जिससे कि माता लक्ष्मी गणेश भगवान हमारे घर आएँ और स्थायी रूप से हमारे घर पर रह जाएँ। दिवाली के दिन, दिवाली की रात क्या करना चाहिए, ये तो हम सबको ज़्यादातर मालूम ही होता है, पर दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं। दिवाली के दिन कभी भी किसी को बिल्कुल भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, या किसी भी तरह से किसी को पैसा देने का काम दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। अगर आपको दिवाली के दिन किसी को कुछ देना ही है, कोई कुछ मांगने आ जाए, तो उसे फल, मिठाई, मेवे कुछ भी दे दीजिए, लेकिन लक्ष्मी पैसे के रूप में बिल्कुल भी किसी और को मत दीजिए। इसके साथ साथ एक बात जो बहुत ही आवश्यक है वो यह है कि दीपावली के दिन अपने घर पे आए हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, कभी भी उसका अपमान ना करें और उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। पैसे के अलावा आप उसे कोई ना कोई भेंट जरूर दें। दीपावली के दिन संध्या लगने के बाद से अगले दिन सुबह तक ना ही घर में झाड़ू लगाएं और ना ही घर का कूड़ा बाहर निकालें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दीपावली के दिन संध्या समय से अगले दिन सुबह तक घर का कूड़ा बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकालें। दीपावली के दिन झाड़ू की खास महत्व होता है। झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है। दीपावली के दिन झाड़ू को बिल्कुल भी पैर से ना लगाएं। वैसे तो झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दीपावली के दिन इस बात का खास ध्यान रखें और दीपावली के दिन खास तौर पर झाड़ू को बिल्कुल भी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को लिटा कर रखें। और दीपावली के दिन घर में बिल्कुल भी झगड़ा, कलेश, गुस्सा ना करें। ये सब करने से माँ लक्ष्मी रूठती हैं और आपके घर पे माँ लक्ष्मी नहीं आती। दीपावली के दिन काली उड़द या काली मसूर की दाल को बिल्कुल भी ना खाएं और कोशिश करें कि दीपावली के दिन कोई भी काले रंग की चीज़ें ना खाएं। दिवाली की शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा करते वक्त ताजे फूलों का इस्तेमाल करें, मतलब एक दिन पहले से लाए गए फूलों का इस्तेमाल दीपावली की पूजा में ना करें। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो पूजा के लिए फूल दीपावली वाले दिन ही खरीदें। दीपावली की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में ताली नहीं बजाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को ताली का शोर पसंद नहीं आता और वो रुष्ट हो जाते हैं। दीपावली के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और फिर आपके घर नहीं आती। माना जाता है कि दीपावली की रात को घर में माँ लक्ष्मी पधारती हैं, इसलिए जहाँ तक हो कोशिश करना चाहिए कि दीपावली की रात को ना सोया जाए। कम से कम 12 बजे रात तक दीपावली के दिन अपने घर का दरवाजा जरूर खोल के रखना चाहिए और कम से कम रात 12 बजे तक तो जरूर जगना चाहिए। रात को जब आप जग रहे हो उस वक्त माँ लक्ष्मी स्त्रोत, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। दीपावली की रात को बहुत सारे लोग पैसों का जुआ खेलते हैं। इस बारे में बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको दीपावली की रात बिल्कुल भी पैसों का जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये है कुछ काम जिन्हें आपको दीपावली के दिन, दीपावली की रात्रि को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव के लिए बना रहेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए।